और जिल्लत है हम सब पे। आज भी अगर आप सोशल मीडिया पे आप उठा के देखेंगे तो रोहित शर्मा को एक धड़ा गाली ही दे रहा है ना, जो उस वक्त आपने क्रेडिट दिया था अजिंक्य रहाणे को, आज आपको क्रेडिट देना होगा रोहित शर्मा। कप्तान कप्तान ही होता है, जब कप्तान के रन नहीं हो रहे होते ना बातें बहुत होती हैं, यूजफुल नॉक्स हैं, बट पहले दो टेस्ट मैचेस में रोहित प्लस साउथ अफ्रीका के दो टेस्ट मैचेस, तो उनका जो बैगेज था वो चार टेस्ट मैचेस का हो चुका था, ये ना भूलें। कब तो नहीं था, शुभमन गिल के रन नहीं आ रहे, श्रेयस अय्यर के रन नहीं आ रहे, है जी वी आर पाटीदार कहाँ है, और कौन है विकेट कीपर, ध्रुव जेल का और जी वो सरफराज का, ये सब चल रहा था ना आपका कि जो मिले अभी ले आओ, हमने सबने हथियार डाल दिए। रोहित शर्मा की कप्तानी की तारीफ हर जगह हो रही है और हो भी क्यों ना, जिस तरीके से रोहित शर्मा ने एक यंग टीम को लेकर इंग्लैंड के खिलाफ 4-1 से जो सीरीज जीत हासिल की है उसकी तो तारीफ होनी चाहिए। हालांकि कुछ वक्त तक रोहित शर्मा को एज ए बैटर क्रिटिसाइज भी किया जा रहा था, लेकिन थर्ड और फोर्थ टेस्ट मैच में रोहित शर्मा ने जो 2 सेंचुरी लगाई थी उसकी काबिले तारीफ और कप्तानी पारी खेलकर उन दोनों मैचों को जिताया था। हालांकि रोहित शर्मा 5वें टेस्ट मैच के 3वें दिन इंजुरी के चलते हुए कप्तानी नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी रोहित शर्मा एज ए कैप्टन, रोहित शर्मा एज ए बैट्समैन नंबर 1 है, तो इसको लेकर रिएक्शन है तो वॉच कीजिए। समझ ही नहीं आ रहा था क्या कर रहे हैं और बेन स्टोक्स कुछ नहीं कर रहे, बट रोहित का जो कॉन्फिडेंस आया आई थिंक वो आया मनोज 100 के बाद, जब उन्होंने 100 बनाया ना पहला, वहां से कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि आप देखें आपके रन नहीं बन रहे होते और आप कप्तानी करते ना फील्ड पे आपका ध्यान उस तरफ होता है, तो वो बोझ आपको दिख रहा था। आई एम नॉट सेइंग कि एज बैट्समैन रोहित शर्मा की ग्रेट सीरीज हुई है, 200 हैं, दो टाइमली 100 हैं, एक दो उनके अच्छे यूजफुल नॉक्स हैं, बट पहले दो टेस्ट मैचेस में रोहित प्लस साउथ अफ्रीका के दो टेस्ट मैचेस, तो उनका जो बैगेज था वो चार टेस्ट मैचेस का हो चुका था, ये ना भूलें। लेकिन एंड में यार और ये आपके एट द बैक ऑफ योर माइंड तो रहता ही ना यार, विराट नहीं है यार भाई, शमी नहीं थे आपको मालूम था, विराट पहले टेस्ट मैच में और दूसरे में तो थे ना, बिल्कुल थे, अचानक से पता चला यार विराट ही नहीं है यार, फिर एक टेस्ट मैच का पता चला यार राहुल भी जा रहा है यार, इसको भी चोट लगी यार, जडेजा भी चले गया यार, और आप वो टेस्ट मैच हारे हुए बाय द वे 36 ऑल आउट, तो चलो एक मतलब वो अलग ही तरह का वो मैच हो गया ना, बिकॉज एडिलेड हुआ और जीत गए, ये कम था, कम तो नहीं था, शुभमन गिल के रन नहीं आ रहे, श्रेयस अय्यर के रन नहीं आ रहे, है जी वी आर पाटीदार कहाँ है, और कौन है विकेट कीपर, ध्रुव जेल का और जी वो सरफराज का, ये सब चल रहा था ना आपका कि जो मिले अभी ले आओ, हमने सबने हथियार डाल दिए थे, उम्मीद हम ना उम्मीद हो चुके थे सब वहां से। आई थिंक मैं ये नहीं कहूंगा कि सरफराज ने रोहित के कारण रन बनाए या ध्रुव जुरेल ने रोहित के कारण रन बनाए या किसी ने उनके कारण किया, बट कुछ हद तक ड्रेसिंग रूम को संभाल के रखना, जो उस वक्त आपने क्रेडिट दिया था अजिंक्य रहाणे को, आज आपको क्रेडिट देना होगा रोहित शर्मा। कप्तान कप्तान ही होता है, जब कप्तान के रन नहीं हो रहे होते ना बातें बहुत होती हैं। इंडिया बड़ी उम्मीदें थी हमें यार वर्ल्ड कप, हार गए फाइनल। आज भी मैं देखता हूं और मैं कहता हूं जलालत और जिल्लत है हम सब पे। आज भी अगर आप सोशल मीडिया पे आप उठा के देखेंगे तो रोहित शर्मा को एक धड़ा गाली ही दे रहा है, जैसे पहले पता नहीं इंडिया ने कितने वर्ल्ड कप जीत लिए थे, जैसे पहले पता नहीं कब क्या होता था। राहुल ने कल एक बड़ी अच्छी बात बोली, उन्होंने कहा जी 2011 में आप जीते वर्ल्ड कप, 13 में चलो इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी पे इंक्लूड कर लिया, इन्होंने कहा मुझे ये बताओ 11 से वर्ल्ड कप की बात की, उन्होंने ना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप गिना ना चैंपियंस ट्रॉफी गिना, उन्होंने कहा 11 वर्ल्ड कप से अभी जो 23 का वर्ल्ड कप हुआ इंडिया ने कितने फाइनल खेले, आप बताइए कितने फाइनल खेले, फाइनल तो अभी हम 2014 वर्ल्ड T20, अच्छा T20 वर्ल्ड कप मिला के, और 2023 का फाइनल, और इस दरमियान आप 12 का T20 खेले, आप 14 का T20 खेले, आप 16 का T20 खेले, 15 का वर्ल्ड कप खेले और 19 का वर्ल्ड कप खेले, 21 का वर्ल्ड T20 खेले, 22 का वर्ल्ड T20 खेले, और ये 8 ICC वर्ल्ड चैंपियनशिप, नॉट चैंपियंस ट्रॉफी, नॉट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, 8 में आप 2 तो फाइनल खेले हो। बट वो हार की तोहमत आ गई एक बंदे पे, एक लीडरशिप पे, ये गलत है ना। उसके बाद ठीक है आप
मैं तो मानता हूं साउथ अफ्रीका इंडिया को जीतना चाहिए था, नहीं जीत पाए। गलतियां ऐसा नहीं कि आज मैं ये कह दूं सब कुछ सही हो रहा है, पर आज मैं ये जरूर कहूंगा कि पिछले एक डेढ़ महीने ने इंडियन क्रिकेट को ना आंखें तो खुलवाई हैं। मैं कहता हूं आंखें तो खुली हैं, और शायद जो ऑन द फील्ड परफॉर्मेंस रही राहुल भाई उसके साथ ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज जो हम देख रहे थे कि एक जो आईपीएल वर्सेस इंडिया वाली बात चलने लगी थी, प्रेफरेंसेस क्या हैं, प्रायोरिटीज क्या हैं, वहां पर रोहित शर्मा का पहले वो बयान कि किसमें भूख है वो पता चलता है, टेस्ट क्रिकेट कैसे खेलना है क्या नहीं। उससे पहले राहुल द्रविड़ ने भी थोड़ा इशारों में कह दिया था ईशान किशन वाले मैटर पर कि आकर डोमेस्टिक खेलें तो वो फिर अवेलेबल हैं तो फिर उनके लिए रास्ते खुले, फिर जय शाह का वो बयान आना, फिर खिलाड़ियों का ना सुनना और देन वो एक्शन। नहीं, मैं तो कह रहा हूं पिछले इस टेस्ट सीरीज में ना आपने इस टेस्ट सीरीज को जीत के एक सीरीज ही नहीं जीती है, सिर्फ यही नहीं कि आपको ये सीरीज में एक जीत मिली है, आपको बहुत कुछ मिला, आपको नए लड़के मिले, आपको नया विश्वास मिला है, आपको एक ये बात भी मिली है, बात पता लगी है कि भाई डिपेंडेंसी किसी पे मत करो। अब यार हर कोई ये बोल रहा था ना, बहुत लोग बोल रहे थे यार T20 क्रिकेट है, आगे बढ़ो, नए लड़के हैं, इनको ग्रूम करो, इनको चांस दो, अपॉर्चुनिटी दो, ये दो। आई थिंक इस सीरीज ने एक चीज ये दिखाई है कि आपको ना किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब जब ऐसा हुआ है कि आपको लगा है कि आपके घर की अलमारियां खाली हो चुकी हैं, कोई उनमें से कपड़े लेके जा चुका है, आपने खुद लड़ा है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया दौरा हो, ये दो सीरीज अगर मैं उठा इन आइसोलेशन उठा के देखूं, ऐसा अक्सर हुआ नहीं है जो इस टेस्ट सीरीज में और उस टेस्ट सीरीज में हुआ था। ऐसा होता नहीं था कि भाई आपके फर्स्ट चॉइस प्लेयर्स जो हैं वो अवेलेबल ही ना हो पाए। और दूसरा फर्क दोनों में ये है कि तो ऑन स्क्रीन देख रहे थे आप रिएक्शन ऑन रोहित शर्मा की कप्तानी के ऊपर। तो फिलहाल मुझे लगता है रोहित शर्मा आईपीएल का फर्स्ट हाफ जरूर मिस करेंगे इंजरी को चलते हुए। हालांकि कुछ कंट्रोवर्सी थी हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के बीच में मुंबई इंडियंस में। तो ओवरऑल वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।